थी। और ये देखिए फार्म पे आ गए हैं, यहाँ पे शानदार बहुत सारे देसी मुर्गे घूम रहे हैं और यही हम लोग ले जाएंगे। और आज जो है देसी मुर्गा बनना है तो फार्म पे आए हैं। देखिए यहाँ पे सब ये सब देसी मुर्गे हैं, शानदार एकदम। और आज यही ले जाएंगे हम लोग दो मुर्गे और आज यही बनेगा बढ़िया एकदम से चिकन करी देसी स्टाइल में। ये देखिए दो दो किलो के मुर्गे, शानदार। ये वाला पकड़ लो, दो मुर्गे। बाबू जरा दिखाओ जरा, शानदार जो है देसी मुर्गा। और यही जो है ये जो फार्म हाउस है बिल्कुल एकदम गांव में खेतों के बीच में बना हुआ है। देखिए चारों तरफ खेत और बीच में बना हुआ। अब हांडी तो भैया ले ही सकते हैं। लो भैया, कैसा भैया हांडी सही है? मतलब इसका खाना खाने का ही अलग अंदाज है, देसी खाना है एकदम लोकल फॉर लोकल सही है। सही है, इसमें सब्जी बनाइए, दाल भी बना सकते हैं। पहले के लोग इसमें दाल बनाते थे, चावल बनाते, चावल बना खा के खाना निकलता और मजा। भाई साहब मिट्टी का घड़ा देखिए बना रहे हैं। वाह, कौन जी? से लगता है आप जो है कुछ समय बाद अगर हो सकता है आप अपनी नौकरी छोड़ दें। हथियारी अब कट के तैयार हो गया और ये हांडी लहसुन जो है हमारे पुराने सहयोगी हैं चौकीदार जी, बाबू वो प्याज भी काट के तैयार कर दिए और लहसुन छिला जा रहा है और हांडी और ये अपना है जो देसी मुर्गे का चिकन करी। 4.5 किलो के मुर्गे थे, कटने के बाद 4.25 किलो मीट निकल के आया है। और इस हांडी में इसको शानदार एकदम बिल्कुल बिहारी स्टाइल में चंपारण स्टाइल में गोइठे के आग पे बनेगा, साथ में मोटी रोटी इसी के साथ इसको खाया जाएगा। हांडी मीट के लिए प्याज का तैयारी हो रहा है, प्याज को काट के एकदम से बिल्कुल महीन कर दिया गया है। जब हांडी में पड़ता है तो एकदम ग्रेवी जो है बढ़िया थिक बनती है, लहरदार ग्रेवी से बनता है। ये हमारे चौकीदार साहब जो हैं चिकन को देखिए एकदम बढ़िया से साफ कर रहे हैं, एक नंबर देसी चिकन जो है बहुत अच्छे से साफ करते हैं, लगाया गया जो टीम का। निकाल दो सब। नींबू इसमें डाला जा रहा है और नींबू डालने से इसके अंदर जो थोड़ी बहुत महक आती है महक भी गायब हो जाएगी और इसका जो मांस है बिल्कुल टाइट और लाल हो जाएगा गुलाबी कलर का देखिए, और अच्छे से गलेगा भी। नींबू डालना बहुत ज़रूरी है चिकन में। नींबू के साथ नमक भी मिलाया गया और इसको मिला के अच्छे तरीके से रगड़ के चौकीदार साहब जो है इसको साफ करेंगे भी फिर से 2-3 पानी से और एकदम बढ़िया यह साफ हो जाएगा। नमक और नींबू और पानी डाल के वैसा सौंले पर तक पानी सौना मौना किया जा रहा है। चौकीदार देखिए सौना मौना कर रहे हैं, इसको करके बढ़िया मिक्स निकाल के एग्जाम परी कंदा रही सही से डालना है। छोटा पड़ गया, बड़े बर्तन में डाल के इसको साफ किया जाएगा। देखिए नींबू और नमक से धोने पे ये भैया हमारे जो हैं ये एकदम से बिल्कुल
नींबू अमेजोन के घरे जंगलों से टेक्निक निकाल के लाए हैं कि नींबू और नमक से धो दिया जाए। अब निकाली है मैंने शानदार चमक, जैसे लग रहा है कि सर्फ एक्सेल से धुला गया है। ये हांडी जो है और ये उसका ढक्कन, और इसको बढ़िया जो है उस मसाला है, मसाला है। ये हांडी के लिए, हांडी चिकन के लिए मटका तैयार हो रहा है। तो देखिए इसको बढ़िया मिट्टी का लेप लगाया जा रहा है, क्योंकि ये कंडे की या गोटे की आग पे बनेगा तो फूटने का डर रहता है, इसलिए मोटा जो है मिट्टी का एफर्ट लगाया जाता है और हमारी हांडी जो है फूटेगी भी नहीं और शानदार जो है इसमें पकेगा। हांडी जो है तैयार हो गया, मीट लगाओ। उसमें आगे क्या हो रहा है दिखाते हैं। पूरा मीट डाला, पूरा डाला। ये देखिए मिक्सिंग हो रहा है शानदार, इसमें पूरा चिकन जो है प्याज के साथ और साथ में सरसों का तेल। लहसुन पड़ जाए, पूरा डाल दे रहे हैं लहसुन पूरा, अब भुनाई करियो बाद में पड़ेगा। और ये है जो है गरम मसाला, घर का पिसा हुआ मीट मसाला जो है वह हल्दी आई लहू लाग रहे चुप तो हल्दी बाका हल्दी हल्दी बाद थोड़े भर के नहीं हुई अरे मंगा देते हैं थोड़े भर के नहीं करती है हाथ से मिलाएं ठीक है। धनिया पाउडर घर का पिसा हुआ, घर का पिसा हुआ सब मसाला जो है घर से पीस के आया है। और यह जो है लाल मिर्च पाउडर हुआ, सॉरी लाल मिर्च खड़ा टूटू कचा तो नहीं नहीं सही है एक नंबर का हुआ सब टूट गई सतों ये पैकेट वाला मसाला लग रहा है। नमक नमक कौन परैया धनिया पट्टी डबो धनिया पट्टी डबो जो सब लाओ ना सही था। हाँ पुदीना नहीं है, नहीं पुदीना नहीं है, यह अजवाइन का पत्ता है, बहुत शानदार सुगंध रहता है इसका। अजवाइन का पत्ता, अजवाइन का पत्ता खा उसकी पकौड़ी बनती बहुत शानदार। अरे बड़ा टाइट हुआ थे खा के देखा तो महकी कितना शानदार गमगमा जाए। घर का धनिया है और यह जो है भैया के छत की है, धनिया एकदम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाई है। धनिया हाँ जमीन से फरेला पेड़ लगे अजवाइन। नमक डबो नमक उठाओ वो बा ऊपर बक्सो बक्सो हल्दी आ गया मक बोल देते हैं नमक रेडी थोड़ा डाल दें डाली डाली और डाली इतना डालनी उतना ठीक हुआ। काका बा तेजपत्त ब्लैक पेपर पाउडर डाली डाली मरीच पाउडर बढ़िया हाँ डाल दी पूरा ब्लैक पेपर पाउडर। हम चावल और सब धैल रहे पता नहीं लेबर सब उठा ली गई बाबू जरा पाँच वाली हल्दी ले लेना मिक्स करो नहीं हाथ से हाँ हाथ पे से ले लेना जरा हल्दी बाहर। ये देखिए मिक्सिंग शुरू हो गई है, चौकीदार अपने सख्त हाथों से मुर्गे की मालिश कर रहे हैं। तेल गरम मसाला प्याज लहसुन लाल मिर्चा धनिया पाउडर धनिया घुमा कर रहे हैं जीरा पाउडर गरम मसाला धनिया सारी चीज़ें इसमें मिला दी गई हैं और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग चल रही है। हल्दी आ जाएंगे शानदार जो है मिक्सिंग चल रही है हांडी चिकन के लिए। पूरा चिकन लहसुन प्याज मसाला तेल मिला के मिलाया जा रहा है, फिर इसको हांडी में डाल के चावल वाला गोटे की आग पे पकाया जाएगा।
चावल वाला देवा कुछ शायरी वरी मारा शायरी वरी कुछ कहा शायरी सब हुआ गई हां भाई तू बोला तू बोले लो बहुत शानदार है गाओ नहीं देखे गाना गाई का कौन गाना गाना गा बैठो ये गोटेदार लहंगा निकलो जो नाली के हो ये गोटेदार लहंगा निकलो जो नाली के हो छुरिया चल जाए तेरी मतवाली चाल से हो छुरिया चल जाए तेरी मतवाली चाल से हो एक तो बाबू जी के जैसा जिगनी मेरी जवानी गोधव मर मस्तानी अखिया मिला लो हमसे चलियो संहार के ये गोटेदार लहंगा निकलो जो डोली के ये गोटेदार लहंगा निकलो जब गार के छुरिया चल जाए होए होए छुरिया चल जाए तेरी मतवाली चाल से खाला एक तो बाबूजी ने जैसी जिगनी मेरी जवानी दुधग मर मस्तानी अखिया मिला ला हमसे चलियो समान के तेल मिला दिया गया इसमें बाबा पत्ता लाए कहाँ है कौन सी पता ही है वो अजवाइन के जवाइन के हाँ एकदम हो गया डालिए चौकी का साहब अब इसमें जो है चूहा ना है अंडा रहा गारा ना तू ये में गारा हो उठावा उठावा सीधे टप्पे मंडाला अरे नजदीक कल भवन यहाँ रख लो देव भवन वहाँ तो डर ये मैं यार जिस स्टील कर ली फोन सकते हैं कैसा जी बाल्टी में पानी धरी बनाऊ ले आओ चाचा वाला हमारा कलम का सिपाही आए थे हम बताए क्या बताए हांडी वंडी कुछ नहीं धीमी आज पे बढ़िया भैया कौन सा मुर्गा था लगर क्या था लहरिया मुर्गा जो है तैयार हो रहा है जंगलों मिलते हैं जंगल वाला एकदम बिल्कुल देसी जो हम लोग लाए थे इसको लहरिया मुर्गा हमारे तराई के क्षेत्रों में बोला जाता है तराई का लहरिया मुर्गा अभी देखिए करीब अभी 45 मिनट और पकेगा इसी तरह धीमी आंच पे और फिर इसको खोला जाएगा देखो ना गल पली ने पी लिया इसे पड़ा ला मसाला में डाल जाता है डाल ले भाई मसाला हमको कम लगा था कलर नहीं आता भाई थोड़ी महाराज रुक जाएगा फिर रुक जाएगा वाह गल्ला भैया प्याज गल्ला सही है मामला लिया
खाली प्याज ही गल रहा है, कुछ और भी गल रहा है। बोलिए क्या गलाना चाह रहे हैं आप? हड्डी तो छोड़ दो पूरा। देखिए हम सादा वाले हैं, हम सादा खा रहे हैं। लो हड्डी छोड़ दो पूरा, गल गया। प्याज नहीं गल पाया, मुर्गा में दिक्कत है। ढका छोड़ा जा, थोड़ी जा फैल लीजिए, जो हाथ में उसको देखिए। तो बाबू रुक जाओ प्लीज, बाबू रुक जाइए। काले सोमवार को लगवा दीजिएगा, होली बाल लगवा दीजिएगा भैया। एकदम शानदार कलर आया है, आ रहा है धीरे धीरे रंगत में बस। भैया कौन सा चिकन है? लबरदार का नाम है। सालन मारिए सालन। यह देखिए जो मुर्गा बना है, मुर्गा का तेल है, यह मतलब जंगली मुर्गा का तेल है। इसमें तेल मात्र 100-200 ग्राम डाला गया है, लेकिन तेल के रूप में साहब ये बदल दिया है कि मतलब मुर्गे का तेल है, यह चर्बी वाला तेल है। मतलब जो भी खाएगा आज वाह वाह बोलेगा, वाह वाह। यह देखिए क्या शानदार कलर आया हुआ है। देखिए नीचे मसाला भी है, अभी मैं दिखा रहा हूँ उसका मसाला। देखिए वाह, रोगन तो वो जोड़ता है भैया। यह देखिए है ना, ये सब आपके सीक्रेट मसाले, कमाल है। खैर यहाँ पे चौकीदार जो हैं बढ़िया तवे पे रोटी सेक रहे हैं। कैसन बनता रोटिया 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 का हलवा? अब देखी का हलवा तो कुछ कह का कही क्या फूल की रन दिखाओ। अरे शानदार एकदम चौकीदार के हाथों की फुल्की पहले मुछिया टाइट कर दो। सही है, अरे मार देता कुछ गा रहा था नहीं। बना लो रोटियाँ जिगनी जवानी। तुम गा कहाँ ले जाता हूँ? आपके हो गए तो ठीक, फिर उनका खोल दी फिर से होगा था। भोजपुरी का था, होली का था। अरे लकड़िया बढ़ल भाई हर भाग गया होता पाछे कही लकड़िया पाछे। ये रोटी बनते तैयार हो रही है बढ़िया तवे पे, सीखी जा रही है। देखिए और हमारे चौकीदार साहब हैं, बहुत दिनों बाद आज मिले हैं। पकड़ के लाया गया, जंगल में भाग गए थे 3 बजे से, आज दिख गए जंगल किनारे, वहीं से आए हैं। ये बाबा हाँ, चावलवा नुनवा मसाला वसाला छूट गए नहीं का भाई, फेंका गए सजू कैसा मोरल हुआ हो? बहुत ही ये तो ब्लैक बना है स्वादिष्ट, और जो हांडी का टेस्ट आना चाहिए फ्लेवर बहुत ही उत्कृष्ट आ रहा है, और मसाले की मात्रा बहुत बिना बताए भैया वो आपके तीत बगा तीत नहीं है, इतना वो मसाला खाते हैं गजब स्वाद लग रहा है इसका। ये पता नहीं चल रहा कि हम लोग मटन खा रहे हैं कि चिकन खा रहे हैं, मुर्गो तरह जंगली। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, जो स्वाद है इसका एकदम जानदार है, छकास है। आप भी खाइए तब बताइए। बताइए भाई। बहुत शानदार देसी मुर्गा जो है बढ़िया से गल गया है, मसाले की मात्रा नमक की मात्रा परफेक्ट। चिंटू भैया ने शानदार इसको जो पकवान बनाया है बहुत अच्छा। थैंक्स टू अभिषेक। वो इंसान जो कोने में बैठा है क्या खा रहा है? मछली खा रहा है क्या? क्या ले रहा है? अपना सादा खा रहे हैं। चावल ले रहे हैं।